बात करते हैं दिल्ली में चल रही जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, जो कि शुरू हो गई है। इसमें पार्टी 2019 के आम चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पर फैसला लेगी। इस बेहद अहम बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास कर नीतीश को चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में फैसले लेने के लिए अधिकृत किया गया है। ये बैठक बीजेपी के साथ जेडीयू के रिश्तों को लेकर भी अहम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने बीजेपी के सामने 25 सीटों पर लड़ने की शर्त रखी है, लेकिन बीजेपी इस पर चुप्पी साधे हुए है। इसके अलावा रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे सहयोगियों को देखते हुए सीटों के मुद्दे पर घमासान बढ़ सकता है। कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। सबके बीच दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। 21 गठबंधन में सहजता है सीटों के बंटवारे को लेकर के। क्या कांग्रेस पार्टी एसपी बीएसपी में एका हो गया यूपी में? क्या शरद पवार जी का कांग्रेस का एका हो गया? क्या ममता लेफ्ट कांग्रेस एक हो गई? बेवजह एनडीए के अंदर खराबी दिखाने के लिए इस तरह के प्रचार किए जा रहे हैं। हाँ, चुनाव का वक्त है, सभी दलों की इच्छा होती है और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी व्यग्र हैं, चिंतित हैं कि सीटों के बंटवारे का क्या होगा। दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष संभवतः 12 तारीख को पटना में मिल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसके सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। जहां तक एनडीए से बाहर जाने की चर्चा है, ये हमारे विरोधियों का प्रचार है जो एनडीए को कमजोर हालत में देखना चाहते हैं। हालांकि 12 जुलाई को आपको बता दें अमित शाह नीतीश कुमार से मिलने वाले हैं, जिसके बाद सीटों का मसला माना जा रहा है सुलझ जाएगा। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत ने बात की है जेडीयू के राजीव रंजन से। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नेता लोग पहुंचने लगे हैं। हमारे साथ हैं पार्टी के प्रवक्ता राजीव रंजन जी। राजीव जी, एजेंडा क्या है आज की मीटिंग का? दिल्ली में ये मीटिंग करवाई गई नीतीश कुमार अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यहाँ पर आज। देखिए, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है नीतीश कुमार जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। जो पार्टी ने सांगठनिक कार्य किए हैं उसका भी आज उसकी समीक्षा होगी और देश के चार राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, हमारी रणनीति क्या होगी, हमारा सांगठनिक आधार कैसा है और हमारी चुनौतियां क्या है, रोडमैप क्या होगा। साथ ही साथ जो हमारे पार्टी के जो कार्यक्रम देश के अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं उनको रिव्यू करेंगे। चार राज्यों में आप लोग चुनाव लड़ेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसमें चुनाव लड़ेंगे ना आप लोग, इसलिए आज हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पूर्व में भी हम लोग चुनाव लड़ते रहे हैं। आप लोग महागठबंधन में जाने का 1% भी चांस है या नहीं है? ये आप इस सवाल को पूरी तरह से ना समझिए और ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि नीतीश कुमार जी महागठबंधन की ओर जाएंगे। पहले महागठबंधन का नाम राजद को बदल देना चाहिए। अब ये राजद बंधन है और उस बंधन से कांग्रेस के अंदर छटपटाहट है निकलने की। नीतीश कुमार जी के जाने के बाद महाशब्द जो है ना वो उसका क्षरण हो चुका है, वो पूरी तरह से वो भाव तिरोहित हो गया। 2019 में इसका मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, देश में दो बड़े चेहरे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने विकास का रास्ता तय किया और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी साख है। 12 वर्षों में बिहार ने जो हासिल किया है वो आज़ादी के 70 वर्षों में बिहार को वो मुकाम नहीं मिला था। तो दो ये करिश्माई नेता एक साथ जब एनडीए की कमान संभालेंगे तो प्रतिपक्ष के हौसले पस्त हो जाए। सीट कितने भी मिले आप लोगों को लड़ने के लिए, सीटें कितनी भी मिले, क्योंकि वो डिमांड आप लोग लगातार बात कहने की जरूरत नहीं है, उस पर सहमति जब नीतीश कुमार जी ने कहा चुनाव के करीब हम मिलेंगे, बैठेंगे, सीट शेयरिंग का मसला हल हो जाएगा। और सुशील मोदी जी ने कहा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा और बड़े भाई की भूमिका पर उनको कोई एतराज नहीं है। तो मैं समझता हूँ आपके तमाम सवालों का जवाब है। तो महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे नीतीश, जेडीयू नेता राजीव रंजन का कहना। सीटों का मसला जो एनडीए के साथ है वो हल हो जाएगा। जेडीयू की बैठक में एक देश एक चुनाव के समर्थन का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, जेडीयू की बैठक में एक देश एक चुनाव को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है, इसका समर्थन किया गया है। जेडीयू की बैठक में 2019 में लागू ना हो एक देश एक चुनाव, जेडीयू की बैठक में एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव पास हो गया है। जेडीयू ने किया है एक देश एक चुनाव का समर्थन, लेकिन 2019 में लागू ना हो एक देश एक चुनाव, यह प्रस्ताव पारित किया गया है।
जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज महत्वपूर्ण बैठक है। हमारे साथ हैं पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह जी। संजय जी, एक तो दिल्ली में ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है, नीतीश कुमार जब से दोबारा सीएम बने पहली कार्यकारिणी एक तरीके से, क्या मुख्य एजेंडा है आज की बैठक? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो हमारा रूटीन बैठक है, और जितने लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आज बैठक हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद दिल्ली में बैठक हो रहा, निश्चित तौर पर चुनाव है और हमारा पार्टी है और जगह हर स्टेट में चुनाव होने वाला, उसमें रणनीति तय होगी। नहीं, लेकिन जो सबसे जो चर्चा जिस पर हो रही है, हम लोग देख रहे हैं बिहार में क्या होगा, बिहार में आपका भी बयान आता रहता है, आरजेडी की तरफ से भी बयान आता रहता है, क्या ये माना जाए कि पार्टी एनडीए में है, या फिर जो हम लोग सुनते रहते हैं उसमें भी कुछ सच्चाई है कि आरजेडी महागठबंधन में भी आप दोबारा जा सकते हैं? इस सवाल ही नहीं उठता महागठबंधन में, महागठबंधन से हम लोग निकले क्यों? देखिए, नीतीश कुमार जी करप्शन, क्राइम और कम्युनिज्म से कभी समझौता नहीं कर सकते। तय है कि महागठबंधन को छोड़ के तो वहाँ जाना बिल्कुल ही नहीं है। हम लोग हैं एनडीए में। नहीं, लेकिन अगर सीट की बात होती है, आप लोगों ने 25 सीटें मांगी थी, अगर सीट इतनी नहीं मिलती है तो क्या फिर आप लोग दोबारा विचार करेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, जब शीर्ष नेता बैठेंगे सीट का मामला ही नहीं बनता, जब दिल मिल गया तो सीट का मामला कहाँ बनता है। तो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में चल रही है, इस पर रहेगी हमारी नजर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।